इसकी मजबूती देखिए आप, क्या बात है। और इसमें आप मोटा पतला जो आप चाहे वो बना सकते हैं। अच्छा, अलग अलग साइज इसमें बन जाएगा, अलग अलग साइज बना सकते हैं। बिल्कुल, बहुत ज्यादा गीला नहीं है, बहुत कुछ हमें करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, यहाँ हम डाल दिए और इस तरीका से आपको जो है हमारे पट्टे निकल के उधर चौमी निकलते जा रहा है। दोस्तों देख सकते हैं, एक बार मशीन स्टार्ट कर दिया और लगातार प्रोडक्शन कर रही है, ऐसा नहीं है कहीं भी ब्रेक हो रही हो। ये देखिए, स्टिक नूडल्स बन जाएंगे, फ्रेश नूडल्स बन जाएगा, ड्राई नूडल्स इसको ड्राई भी बन जाएंगे, स्टीम भी बन जाएगा और हक्का नूडल्स भी बन जाएगा। अच्छा, तीन चार तरह के नूडल हम इसे बना सकते हैं। जी जी जी। दोस्तों आज की वीडियो होने वाली है बहुत ज्यादा शानदार, एकदम धमाकेदार। आज फिर से हम आप लोगों को एक बहुत ही अनोखे और नए बिजनेस, मतलब अभी हम आप लोग लघु उद्योग के बारे में बताने वाले हैं। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे आप लोगों को पूरी मशीनरी, पूरा सेटअप मिल जाता है। तो रॉयल पेपर इंडस्ट्री से सर हमारे साथ, नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बढ़िया सर, बढ़िया। तो सर इस बार हमारी वीडियो में क्या धमाका हो रहा है और कौन से व्यापार, कौन से बिजनेस के बारे में अपने व्यूअर्स को बताने वाले हैं? मैं सर बताने वाला हूँ नूडल्स मेकिंग मशीन। जी, गाँव में, कस्बा में, शहर में, हर जगह आजकल चलता है। बर्थडे पार्टी, शादी, एनिवर्सरी, हर जगह चलता है। और एक छोटे बच्चे से लेकर एक बुजुर्ग तक सबका इच्छा होता है हम चाउमीन खाएं, नूडल्स। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नूडल की मतलब मैं बात करूं तो कंजम्पशन हर जगह दे रखी है, चाहे गांव हो, चाहे शहर हो, चाहे नुक्कड़ हो, चाहे गली हो। आप देखेंगे एक छोटे से ठेले पे भी नूडल बिक रहा है और एक बड़े रेस्टोरेंट, एक बड़े आउटलेट पे भी, वहां पर भी नूडल चाउमीन सारा मिलता है। बिल्कुल। तो मतलब बात करूं जैसे हम नूडल मैन्युफैक्चरिंग का पूरा काम यहाँ पे बिजनेस दिखाने वाले हैं, तो इसको कितनी पूंजी से, कितनी लागत से कोई इस काम को शुरू कर सकता है? सर हमारे पास जो मशीन है, जो सबसे छोटा मशीन है, वो 35,000 रुपए की है, 55,000 रुपए की है, 2.25 लाख रुपए की है। इस तरीका से बढ़ते जा रहा है सर, बहुत सारे जितना आपका प्रोडक्शन है उस हिसाब से ले। और मैं कहूंगा अगर आपको कम पूंजी में करना है तो छोटे मशीन लगाकर आप चालू करें, अपनी मार्केट देखें जी, और अच्छे इनकम कर सकते हैं आप इससे। एक और मैं अपने व्यूअर को बताना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री रोजगार योजना के थ्रू आप लोन लेकर के भी हमारी मशीन आप परचेज कर सकते हैं, जिसका हमारी कंपनी आपको कोटेशन देंगे। और सरकार बहुत चाहते हैं जो आदमी बेरोजगार है उनको रोजगार मिले। अच्छा। जो बड़े बड़े शहर में जाते हैं अपने काम करने के लिए, नौकरी करने के लिए, वो अपने शहर में करें, तो आपके नियर वाइज बैंक है उनमें आप कंसल्ट करें, हम भी आपको मदद करेंगे, वहां से आप लोन लेकर के आप काम कर सकते हैं। तो सर जैसे नूडल की प्रोडक्शन तो यहाँ पर हो जाएगी और बहुत सारे लोग नूडल चाउमीन बनाते भी हैं, सर जैसे मान लीजिए कोई इस काम को शुरू करे तो उसकी मार्केटिंग कैसे कर सकता है, सेल वगैरह कैसे करेगा? सर आजकल तो गाँव में दुकानें हैं, कस्बा में, गांव में, शहर में, हर जगह दुकानें पे आपसे लेगा, वो कहीं ना कहीं से तो खरीद रहा है ना सर जी, तो आपसे खरीदेगा। ओके, मतलब बात करूं तो इसको सेल करना, इसकी मार्केटिंग करना कहीं बहुत दिक्कत नहीं है। है सर, सबसे बेटर क्या है इसमें, आपको रॉ मटेरियल भी आपको नियर वाइज में मिलेगा और इस प्रोडक्ट को जो है सो आप अपने नियर वाइज में आप सेल भी कर सकते हैं। इससे बढ़िया सर कोई मार्केटिंग नहीं हो सकता, इससे बढ़िया कोई व्यापार नहीं हो सकता। क्या बात है? जो रॉ मटेरियल भी आपके नियर में मिलेंगे और आपको प्रोडक्शन भी नियर वाइज आपको सेल हो जाएगा। दोस्तों लोग आ चुके हैं प्लांट पे, देख सकते हैं दोस्तों इस तरीके से देखिए, काफी छोटे से एरिया में सेटअप लगा रखा है और यहाँ पे हम आपको दिखाने वाले हैं नूडल मैन्युफैक्चरिंग का पूरा प्रोसेस, किस तरीके से ये नूडल चाउमीन बनाई जाती है और क्या स्टेप, क्या प्रोसेस होता है और कितनी क्वांटिटी में यहाँ पर बनता है। पहला स्टेप क्या दे रखा है? ये हमारे सर मिक्सचर है, मिक्सचर के अंदर में हमने मैदा डाल दिया है, ये हमारा मिक्स कर रहा है। अच्छा, आप देख लीजिए, मतलब ये हमारी मिक्सचर मशीन दे रखी है। सर एक बार में कितना ये मिक्सचर तैयार कर देगा? ये 50 किलो आटा कर सकता है। मिक्सचर की साइज अलग अलग होते हैं सर, ये जो हमारी मिक्सचर है इसमें 50 किलो मैदा तैयार हो सकता है। मतलब मैदा और पानी हमने इसे मिक्स किया है। जी जी। इसके बाद सर मैंने मैदा इस कट्टा पे निकाल के रख लिया है। जी। इसके बाद इससे मैं जो है ये हमारे डालने वाला है बर्तन, इससे हम मशीन के अंदर डालेंगे। अच्छा, ये हमारी मशीन का हौज है जी, जिसके अंदर हमें डालना होगा। ओके दोस्तों, ये देखिए जो मिक्सचर हमारा पूरा तैयार हुआ है वो देखिए इस तरीके से इस हॉपर में, देखिए इस तरीके से पूरा डाला जा रहा है इस मशीन के, ये देख सकते हैं। ये हमारी मशीन है सर ऑटोमेटिक, हमने इसमें डाल दिया मैदा, इसके बाद हम मशीन चालू करेंगे और नूडल्स बनाकर आपको दिखाएंगे कैसे बनता है। नीचे अरे वाह दोस्तों, देख सकते हैं इस तरीके से, देखिए नूडल आप लोगों का यहाँ बंद करके निकल रहा है, ये देख सकते हैं, क्या बात है, इसकी मजबूती देखिए आप, क्या बात है। और इसमें आप मोटा पतला जो आप चाहे वो बना सकते हैं। अच्छा, अलग अलग साइज इसमें बन जाएगा? अलग अलग साइज बना सकते हैं। बिल्कुल। ये देखिए क्वालिटी, देखिए आप लोग नूडल्स की देखिए कितनी
शानदार और बेहतरीन, देखिए पूरे बंद करके निकल रही है, देखिए। अच्छा क्या बात है, मतलब टूट नहीं रहा सर, ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त। कुछ ही मिनटों में देखिए दोस्तों कितना प्रोडक्शन यहाँ पे हो गया, ये देख सकते हैं आप लोग, मतलब एक लाइव देखिए हम आप लोग को प्लांट दिखा रहे हैं जहाँ पर देखिए नूडल मैन्युफैक्चरिंग का देखिए पूरा काम होता है यहाँ पर, ये देख सकते हैं आप लोग। बहुत ज़्यादा गीला नहीं है, बहुत कुछ हमें करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल यहाँ हम डाल दिए और इस तरीका से आपको जो है हमारे पट्टे निकल के उधर चौमी निकलते जा रहा है। क्या बात है, काफ़ी हैवी देखिए क्वालिटी में इस तरीके से पूरी मशीन आप लोगों को देखिए हम दिखा रहे हैं नूडल चाउमीन मैन्युफैक्चरिंग की, ये देख सकते हैं आप लोग। और ये इतनी मजबूत क्वालिटी बनता है, ये देखो कितने में कितना टूट नहीं, ये देखिए टूट नहीं, नहीं ये चीज बनता है, ये भी चाहिए, इतनी चीज मजबूत है देखो। सही बात है, ये देखिए दोस्तों देख सकते हैं एक बार मशीन स्टार्ट कर दिया और लगातार प्रोडक्शन कर रही है, ऐसा नहीं कहीं भी ब्रेक हो रही हो, ये देखिए। ये हमारे मोटर है सर, ये हमारी मोटर भी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है। अच्छा। जिसकी एक साल की वारंटी और गारंटी होता है, काफी हैवी मोटर लगा रखी है जी सर, 3 HP का मोटर हम लगा के देंगे ये ऑटोमेटिक मशीन पे जी। सर जैसे मान लीजिए इसमें हम 15 किलो आटा या मैदा डाले हैं तो कितना प्रोडक्शन हो जाएगा सर? ये 10 किलो में 12 किलो निकलेगा, 50 अच्छा। किलो में 60 किलो निकलेगा। अच्छा जी, ओके दोस्तों देख सकते कितना देखिए धमाकेदार प्रोडक्शन इस मशीन से, ये देखिए नूडल मैन्युफैक्चरिंग का पूरा हुआ है, ये देख लीजिए क्वालिटी देख सकते हैं, क्वालिटी कितनी जबरदस्त ये निकल रही है। ये माल मैंने बना लिया, आप देख रहे हैं ये 50% सूखा हुआ माल है। अच्छा, इसमें हमें अभी जो है सो गर्मी के टाइम में इसको हम पंखे पे जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है गीला ये सूख जाएगा। इसके सूखने के बाद जो हमारी प्रोसेस है सर जी, इस तरीके से हम जो है सो पैक करेंगे। अच्छा, देख रहे हमारी पैकिंग है मार्केट में सेल के लिए। ओके, 2 किलो का हो जाए, 1 किलो का हो जाए, 1.5 किलो, जो हमारी मार्केट की रिक्वायर्ड होगी उस हिसाब से हम पैक करेंगे और मार्केट में हम इसको डिलीवर कर देंगे। क्या बात है, ये कैसे देखिए, मतलब पूरा देखिए नूडल आप लोगों का यहाँ पर तैयार हो चुका है और आप इसको मार्केट में सेल करने के लिए रेडी कर चुके हैं। देखिए कितना प्रोडक्शन देखिए यहाँ पर हो रखा है, जिस तरीके से देखिए आप इसको मार्केट में बेचिए और काफी अच्छा प्रॉफिट मार्जिन कमा सकते हैं। और क्या क्या बन जाएगा इससे बात करें तो? इससे बन जाएगा सर स्टिक नूडल्स बन जाएंगे, फ्रेश नूडल्स बन जाएगा, ड्राई नूडल्स इसको ड्राई भी बन जाएंगे, स्टीम भी बन जाएगा और हक्का नूडल्स भी बन जाएगा। अच्छा, तीन चार तरह के नूडल हम इसे बना सकते हैं जी जी। तो दोस्तों देखा मतलब कितनी धमाकेदार प्रोडक्शन देखिए ये इस छोटी सी मशीन से नूडल मैन्युफैक्चरिंग का, चाउमीन मेकिंग का देखिए हमने दिखाया, मतलब कितने कम समय में देखिए कितनी हैवी क्वांटिटी और लार्ज क्वांटिटी का देखिए नूडल्स यहाँ पे पूरा बन करके निकल गया। सर मान लीजिए अगर नूडल कोई बना तो ले, प्रोडक्शन कर ले, रॉ मटेरियल लोकल ले करके भी, इस पर कमाई क्या हो जाएगी, कितना कोई मार्जिन कमा सकता है इस पर? सर हमारे जो मैदा आता है जो हमारे नियर बाय हम दुकान से खरीदते हैं 22 से 25 रुपये में मैदा हमारी परचेज होके आती है पर केजी, ठीक है, और मैं उसको बेचता हूँ सर 40 रुपये 38 रुपये किलो बेचता हूँ, 10 से 12 रुपये हमारे सारे खर्चे काट के। अच्छा। हमारी इनकम हो जाती है 10 से 12 रुपये सर पर केजी मिनिमम। अच्छा जी, क्या बात है, मतलब अगर 1 घंटे में हम 300 केजी बना रहे हैं जी तो 12 या 36, हाँ मतलब 3500 रुपया आप आराम से कमा सकते हैं, मतलब 1 घंटे में। ये आपका सेल के ऊपर है सर जी, मतलब जितना ज़्यादा आप सेल करेंगे जितनी अच्छी मार्केटिंग होगी। और मैं क्या सर, आप अपने मार्केट में जाकर के देखिए किसी दुकान पे, कस्बा की दुकान पे, गांव की दुकान पे, आपको एक चौमिन का जो पैकेट किलो का, 2 किलो का या 1 किलो का कितने में मिलता है आपको मार्जिन पता चल जाएगा। दूसरी बात, आपका मैदा का भी मार्केट का आपका है, हमारे बताने क्या सर, आप नियर बाय आप दुकान पे जाए और मैदा का कट्टा पता करें कितने का केजी दे रहा है। उसको देख सकते हैं इस तरीके से, देखिए आप लोग इस लघु उद्योग को शुरू करके महीने के देख सकते हैं दोस्तों कितनी कमाई कर सकते हैं, या खुद ही अंदाजा कर लो, खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब लाखों लाख की आमदनी आप लोग के देखिए इस व्यापार, इस लघु उद्योग को शुरू करके होने वाली है। सर मान लीजिए अगर इस काम को कोई शुरू करे तो आपसे कैसे कॉन्टेक्ट करे, कैसे मशीन मंगाए, कैसे संपर्क करे, क्या तरीका है? हमारे स्क्रीन पे नंबर है, दिल्ली में हमारी ईस्ट पंजाबी बाग में हमारी कंपनी है, आप यहाँ आकर के देख सकते हैं, आप वीडियो कॉल पे देख सकते हैं और हमारे नंबर है स्क्रीन पे, आप इस पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और अगर कोई आकर के लेना चाहे तो आ सकता है वो वेलकम है सर, जो आके लेना चाहते हैं उनके लिए हमारी वेलकम है, आ सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ छोटा सा लघु उद्योग, एक छोटी सी हमारी वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल ही होगी, अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अगर कोई इस काम को, इस बिज़नेस को शुरू करना चाहता है तो आसानी से लघु उद्योग शुरू कर सकता है।